हो सकता है बाहुबली जैसा हो, इसलिए ऊपर चलते हैं, चढ़ते हैं। वहाँ से झरना होके आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ से सीधे वैसे जा रहा है थे। और तेरी ओ भाई साहब, वहाँ का जो पानी है ना, वहाँ का वो वहाँ गिर रहा है ना, और उफल के ऊपर आ रहा है। देखा पोचा ऐसे कुछ, यहाँ पे पूरा आदमी जब गिरेगा तो कोई बचेगा ही नहीं है, इतना खतरनाक। अब व्यू आप लोग कैसा है देख सकते हैं, बहुत मस्त झरना, बहुत सॉलिड लग रहा है। यहाँ भी गहराई है बहुत ज़्यादा, नजर हेलो गाइस, मैं हूं एडिट मित्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज नए लोकेशन हम आए हैं, जहां आप लोग सामने में देख सकते हैं क्या लोकेशन है। यह नाम है यहां सोदे घाटी साइड में है, सरपो है ना, जो झारखंड में पड़ता है। यहां बहुत अच्छा व्यू है, तो इसे एक नए लोकेशन आप लोग को दिखाने लाए हैं। मतलब इंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग में और बने रहिए, है ना। खाते हैं, हम भी नहीं देखे, फर्स्ट बार हम आए हैं, तो यहाँ का व्यू कैसा है हम भी देखने पर चाह रहे हैं। बहुत कुछ दिखाएंगे, है ना, हम लोग बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए भाई हम लोग चलते हैं बिना देरी किए। गाइस आप लोग देख रहे हैं हुलुम का यहाँ लोकेशन कैसा है। दो चार दिन पहले से वहाँ पे पिकनिक मनाया था, आप लोग देख रहे हैं, और रास्ता की खतरनाक देख रहे हैं, बहुत नीचे यहाँ पे, और रास्ता इस टाइप का जाना पड़ता है, देखिए ऐसे, बस चट्टान के अगल बगल से देख रहे हैं, सब चट्टान, इधर कोई रास्ता वैसा क्लियर बना हुआ नहीं है, यहाँ पे नया रिवील हुआ या इधर इस बार। तो गाइस चलिए चलते हैं, अभी उधर चलेंगे, है ना, उधर पूरा झरना है, अभी उधर का लोकेशन दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो रास्ता कैसा है वो देख लीजिए। झूठ झाड़ होके जाना पड़ रहा है गाइस, इधर पूरा चढ़ ये ऊपर है, पूरा पहाड़ पेड़ से भरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे लोकेशन पे आए हैं। बहुत मजा आने वाला है आज का ब्लॉग गाइस, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल हो रहा होगा यहाँ पिकनिक मनाने स्टार्ट हो गया होगा, है ना। तो बहुत सारे कोई तो नहीं है, लेकिन 2-3 पार्टी यहाँ पे आया हुआ है पिकनिक मनाने के लिए। ये पेड़ को देखिए कितना मस्त, कितना बड़ा पेड़, बालू मस्त है पूरा चूर चूर। यहाँ का व्यू देखिए गाइस, पूरा पेड़ ही पेड़, फिर खेल रहे हैं वो कोई एक फैमिली। तो गाइस अभी झरना की तरफ चलते हैं, है ना, जिधर झरना है उधर हम लोग चलते हैं। तो बालू बहुत सॉलिड है, बालू बहुत सॉलिड, क्योंकि इतना चूर है ना, बहुत मजा आ रहा है खुदने, मस्त एक नंबर, छानने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ये सही चलते हैं। पत्थर ही पत्थर पूरा नजर आएगा, ये कोयल नदी जहाँ ब्रिज है उसके ऊपर साइड है ये उलुंग वाटरफॉल, लोग देखिएगा और पूरा एंजॉय कीजिएगा, है ना। ये है गाइस, हम पहुंच चुके हैं उलुंग वाटरफॉल,
यह रहा हुलुंग वाटरफॉल। वहाँ से झरना होके आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ से सीधे वैसे जा रहा है इसे। वाओ ब्यूटीफुल व्यू। ये पानी उधर पूरा ब्रिज है ना आगे में सोदे वाला, वह उधर ही जा रहा है। तो गाइस हम ऊपर की ओर चलेंगे, वहाँ आगे भी एक झरना है ना, वहाँ भी चलेंगे। चलिए चलते आगे। तो गाइस यहाँ का सीढ़ी देखिए किस टाइप का बनाया है, ब्रिज आप लोग देख सकते हैं, ब्रिज कितना सुंदर है और पूरा साफ पानी देखिए गाइस, पूरा साफ पानी एक नंबर दिख रहा है गाइस यहाँ का पानी। इधर लेके चलते हैं गाइस, इधर का पूरा साफ पानी दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ बहुत कोई नहाता है, नहाने जैसा पूरा है, पूरा एक नंबर। वाओ पूरा यहाँ से वहाँ पूरा पत्थर बिछाया हुआ है, पूरा पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, मिट्टी के तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। नहाने का एक नंबर है, स्विमिंग पूल भी फेल है यहाँ पे। तो गाइस देखिए ब्रिज के ऊपर हम चढ़ रहे हैं और पानी देखिए कितने से जा रहा है। वाओ कितना सॉलिड। अभी हम ब्रिज के ऊपर है गाइस। ओ मछली ऊपर की ओर हम चढ़ रहे हैं, ऊपर से देखिए किस टाइप का है। उधर पार होने के लिए आगे से रास्ता इधर चट्टान होते होते हुए गाइस। बस पतलीला होते होते जाना पड़ता है, पानी बस यहाँ पत्थर के ऊपर बह रहा है। इधर से ही होके जाना पड़ेगा शायद। वहां थोड़ा गहरा है, वहां दिख रहा है आप लोग को नीला, वहां थोड़ा गहरा है बस नीचे, लेकिन पत्थर है सब पत्थर। हम इधर चलेंगे तो भाई हम गुफा होते हुए क्यों नहीं जा सकते, जरूर जाएंगे गुफा होते हुए भी। हाँ उतना मुड़ने का क्या जरूरत है जब इधर रास्ता है। तो हम चलते हैं इधर से। वाह देखिए पूरा पत्थर ही पत्थर एकदम एक नंबर लग रहा है। अब हम लोग इधर से जाएंगे, ये रास्ता यहाँ से है, इधर से निकलेंगे हम लोग। थोड़ा सा बाइट के जाना पड़ रहा है इधर, थोड़ा सा ऊपर कितना हम नहीं देख सकते, इधर चट्टान ऐसे पार होना पड़ रहा है। ये निकले हम
निकल गया निकल गया, हम उधर से होके आए थे, उधर से ऐसे ऐसे इधर पत्थर के नीचे की। इतना बड़ा पहाड़ ये तो पत्थर। तो गाइस वहाँ गहराई की जहाँ है वहाँ हम ले चलते हैं आप लोग को, डर तो लग रहा है। और तेरी ओ भाई साहब डर लग रहा है, इतना खतरनाक गहरा है, बहुत गहरा नहीं जाना है। तो गाइस हमको ना वहाँ डर लग गया है ना, बहुत गहरा है, नीला पूरा नीला दिख रहा है हमको, बहुत डर लग गया वहाँ पे, सिरसिरी लग गया डर से। वहाँ नहीं जाने वाले हैं, देख रहे हैं बहुत खतरनाक गहरा है यहाँ पे, पूरा चट्टान, पता नहीं अंदर कैसा होगा क्या होगा। एक कतला मछली हमको दिखा था बड़ा सा है ना, उसको देखे उसके बाद तो खतरनाक डर लग गया हमको। तेरी अभी सिरसिरी लग रहा है, इतना गहराई पहली बार देखे, इतना तो पेरवा घाग भी नहीं देखे, पांडा पुंडिंग भी नहीं देखे, लेकिन इतना गहराई बहुत खतरनाक, देख के डर डर समा गया। यहाँ अगर कोई गिरा ना कोई बच्चा तो बचेगा ही नहीं, इतना बड़ा डैम जैसा देखिए। तो गाइस हम लोग उस उधर से आए थे, उधर से ऐसे होके इधर से हम लोग ऐसे आए, ऐसे 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 ना वो इस क्या बोलते हैं चट्टान से नीचे नीचे होके आए, तो ऐसे रास्ता है। और देखिए कितना गहरा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, सामने से दिखाने की कोशिश करते हैं गाइस यहाँ पे कैसा है ना। चला जाए इधर रास्ता है, इधर का आगे जाने के लिए पता नहीं किधर रास्ता है गाइस, इस साइड से भी पानी आ रहा है यहाँ पे गाइस, देखिए ना कितना गहरा है, बहुत खतरनाक, बहुत गहरा ही, यहाँ भी डूबेगा तो कोई बचेगा भी नहीं। यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पानी इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ का पानी जा कहाँ, यहाँ से उधर जा रहा है नीचे नीचे, उधर इस पत्थर सबसे होके नीचे नीचे जा रहा है इसे। अब इधर का कहाँ जा रहा है भाई, इधर कोई सी खतरा है, कोई यहाँ गिरा तो मतलब उधर उड़ के जाएगा, उधर ऐसे उधर ही जाएगा, इधर होके जा रहे हैं। ये रहा यहाँ पे झरना, इधर से हम दिखाएंगे भाई गाइस, वहाँ का जो पानी है ना वहाँ का, वो वहाँ गिर रहा है ना और उखल के ऊपर आ रहा है, देख सकते हो वहाँ जब उतना गहराई से गिर रहा है और वहाँ का पानी उखल रहा है और फिर से यहाँ जाके यहाँ सब उखल रहा है, इससे मतलब सोच सकते हैं कितना गहरा है यहाँ पे ऐसे। गाइस यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त, वहां से कोई गिरा ना तो कोई बचेगा भी नहीं, यहाँ का पानी जो भी गिर रहा है ना वो नीला दिख रहा है, पूरा नीला पानी, पूरा नीला दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग हरा नीला ऐसे दिख रहा है। पूरा चट्टान से भरा हुआ है, सब यहाँ पे चट्टान से भरा हुआ है। तो गाइस अभी हम इधर चलते हैं इस साइड, आप लोग देख लीजिए इधर का व्यू किस टाइप का है, वाह बहुत मस्त है गाइस यहाँ का, तो सब चट्टान चट्टान ऊपर चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। तो
दोस्तों यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त है। सामने ले चलते हैं गाइस आप लोग को, यहाँ भी बहुत खतरनाक एरिया है। आप लोग देखिए कितना गहराई, पानी का उपलापन आप लोग देख के ही पता चल जाएगा कितना गहरा है। वहाँ का पानी जो आ रहा है ना, वहाँ का पानी आ रहा है वहाँ पे टकरा रहा है उस चट्टान पे, है ना, उस चट्टान पे टकरा रहा है उस पे, और वहाँ का पानी इधर आ रहा है और वहाँ का पानी उफल के ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उधर लंबा लंबा मछली दिख रहा है, यहाँ से ही दिख रहा है मछली लंबा लंबा बड़ा बड़ा। शायद वीडियो में आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हमको यहीं से दिख रहा है क्योंकि वहाँ पूरा अंदर है, अंदर यहाँ आप लोग कभी आइएगा तो यहाँ पता चलेगा किस टाइप का यहाँ गहराई है। पूरा कोना कोचा ऐसे कुछ यहाँ पे, पूरा आदमी जब गिरेगा तो कोई बचेगा ही नहीं है, इतना खतरनाक है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पानी में गिर के कितना बड़ा बड़ा छेद हो गया है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि जब पानी में गिर जाता कोई आदमी तो बचता ही नहीं है। हम तो आ जा रहे हैं, लेकिन कोई आप लोग ऐसा मत कीजिए, यहाँ तैरने जाने वाला भी डूब जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे छेदा है ही ना कि कोई भी डूब जाएगा। ये सब पानी जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को ऊपर की ओर ले चलते हैं ना, जो ऊपर है यहाँ से ऊपर झरना है वहाँ पे ले चलते हैं आप लोग को। तो चलिए इधर का व्यू कैसा है ऊपर से हम लोग देखते हैं, है ना, तो बने रहिए और स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोग को नहीं दिखेगा कहाँ कैसा है। यहाँ थोड़ा सा सीढ़ी जैसा है ना, इसमें हम लोग खून खून के जाते हैं, छिचला भी है, बालू भी है हल्का, तो आराम से चलते हैं। इधर का लेक इधर का भी हल्का झरना सब है। अरे यार बहुत खतरनाक गहराई, सब तो गहराई बहुत ज्यादा, यहाँ इतने गहराई हो सकता है तो उधर क्या नहीं हो सकता बताइए। ये रहा, ये रहा झरना, पत्थर ही पत्थर यहाँ, और झरना एक नंबर दिख रहा है। तो गाइस हम लोग करीब से चलते हैं, है ना, तो गाइस आप लोग को सामने से दिखा दे रहे हैं यहाँ का व्यू, आप लोग कैसा है देख सकते हैं। बहुत मस्त झरना, बहुत सॉलिड लग रहा है, यहाँ भी गहराई है बहुत ज्यादा, नज़रअंदाज हम लोग नहीं करेंगे यहाँ को भी, है ना, हर जगह गहराई, जहाँ झरना गिर रहा वहाँ गहराई है। गाइस
यहाँ बहुत कोई तपा रहा था होगा शायद ठंडा की वजह से, तो हम ऊपर की ओर चलते हैं। गाइस यहाँ का ऊपर कैसा है, जो यहाँ झरना गिर रहा है ना, हो सकता है बाहुबली जैसा हो, इसलिए ऊपर चलते हैं, चढ़ते हैं, है ना। वैसे से चट्टान से होकर चलना पड़ेगा गाइस। सॉरी, गाइस स्टेप का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लाइव व्यू आप लोग दिखा दे रहे हैं ऐसा इधर का, उधर सब पत्थर पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। और गाइस देख रहे आप लोग गड्ढा देख रहे हैं, इतना खतरनाक गड्ढा देख सकते हैं, इतना गड्ढा, इसलिए आदमी बच नहीं पाता है, जो गड्ढा में इधर जो गिरता है ना, वो लोग कभी बचता नहीं है। ऊपर का व्यू दिखाते हैं, ऊपर से कैसे दिखता है इधर से, ये रहा। ये चारों दिशा का गाइस आप लोग देख लीजिए किस टाइप का है, इतना मस्त व्यू। तो गाइस आप लोग ने देखा मेरा ब्लॉग जो कुल्लू का है, और इसमें कुछ कमी घटियां हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन जैसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे ग्रामीण इलाका में कोई आदमी भी नहीं है, है ना। यहाँ पे कोई टोकन लेने वाला गाड़ी के लिए वो नहीं है, और यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। तो गाइस जो भी कुछ आइएगा यहाँ, वो लोग कम से कम ध्यान पूर्वक आइए और अपना गार्जियन के साथ आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई रस्सी वगैरह भी कोई टाना नहीं दिया है, आप देख सकते हैं पूरा फ्री है ना। एक दो साल ही हुआ होगा यहाँ पे, है ना, ओपन किया हुआ। आप लोग पूरा सेफ्टी के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, और पिकनिक बनाइए, इंजॉय, है ना। और इससे उधर नीचे साइड है ना, वहाँ जाओ, पाले दिखा चुके हैं, वहाँ बहुत बहुत गारा है, और यहाँ भी बिल्कुल गारा है जैसा कि उधर है ना। कोई ऐसी जगह झरना जहाँ गिर रहा है वहाँ गारा नहीं, ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गारा है यहाँ पर, मेरे से कितना गुना ऊपर है गारा ही, और वहाँ पर पूरा मरोड़ रहा है जिससे पानी यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोग देख सक रहे हैं और देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यहाँ आइएगा तो पूरा सेफ्टी के साथ आइएगा, है ना। और जितना हो सका हम आप लोग को दिखा चुके हैं यहाँ पर, और कोई ऐसा दुकान नहीं है, यहाँ जंगल के बीच में है, वो ऐसा दुकान कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई अस्पताल भी नहीं है, और बहुत कम से कम 7-8 किलोमीटर यहाँ से, और हम रास्ता जो वहाँ मनोरपुर रास्ता है वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, और कोई ले जाने का रास्ता जिसे क्लियर हो ऐसा नहीं है, यहाँ मोटरसाइकिल आने जैसा कुछ थोड़ा बहुत है, और क्योंकि नया नया बनाया गया है, रास्ता उबड़ खबड़ है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ले जाने के लिए बहुत दिक्कत है। आप लोग ऐसे ही एकदम सेफ्टी होकर आइए, यही है तो आप लोग से गुजारिश करते हैं। तो बाकी यहाँ दोस्त यहाँ वो चीज़ है ना, और अच्छा यहाँ है कि जो पंडा पुंडिंग पेरवा गाड़ उससे कई ज़्यादा गुना यहाँ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बोलेंगे बहुत जगह हम घूमे हैं वहाँ से हम यहाँ अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ झरना भी बहुत जगह है, यहाँ 5-6 झरना यहाँ पे गिर रहा है, हो सकता है इससे और ज़्यादा नीचे और अच्छा अच्छा है, हो सकता है इससे और उधर आगे अच्छा अच्छा होगा। यहाँ पिकनिक मनाने का बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वहीं की तरह दुर्घटना हो सकता है। यहाँ पर जो गारा है हम सब ठीक देख रहे हैं आप लोग, ये सब अगर डूब जाएंगे ना, हम भी डूब जाएंगे, उतना गारा है पत्थर, इसीलिए एकदम केयरफुली आप लोग आइए यहाँ पे और पिकनिक मनाइए, बहुत अच्छा जगह है, बुरा नहीं है यहाँ, लेकिन जो को गिरा वो बचेगा, कोई बात नहीं। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और
अगला व्यू हम ले चलते हैं जहाँ नया है वहाँ, और कॉमेंट कीजिएगा कि अगला जगह हम कहाँ लेके जाएंगे आप लोग को, जो पसंद है वहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, कोई यहाँ पे वैसा रस्सी से खींचा नहीं गया है, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे कोई, यहाँ बहुत गहरा है, कोई आदमी गिरा तो यहाँ नहीं बचेगा क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है गाइस। और बाकी तो क्या करें, वहाँ नहाने जैसा है बस, वहाँ पे जो तैरने नहीं जानते वो लोग नहाना है ना। और बाकी यहाँ का व्यू तो आप लोग जानते हैं, बहुत सुंदर है यहाँ का, यह स्विमिंग पूल जैसा है लेकिन नहाने के लिए नहीं है, बस देखने के लिए। पानी इतना थोड़ा थोड़ा गिर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आइए ना गाइस, तो पानी से दूर रहें, या पत्थर से कम 2-3 फीट से ही देखें। यहाँ पे जो पत्थर है ना, यहाँ पानी के सामने सामने दिख रहा है, 2-3 फीट एकदम साइड हो के ही देखें, क्योंकि बहुत जैसे देखिए ना गहराई वैसे ही आप लोग का आगे चल जाइएगा, वैसा है यहाँ का। तो इसीलिए दूर बनाए रखें यहाँ पे, है ना। देखिए हम कितना आगे से हम ये कर रहे हैं, देख सकते हैं, हमको खुद डर लग रहा है, इतना गहरा है, हमको तैरने जानते हैं, इसको तैर के पार भी हो सकते हैं, लेकिन तो भी हमको डर लग रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए आप लोग वैसे सेफ्टी बरतें यहाँ आके, तो ठीक है।